अपनी जमीन अपना मकान दिल्ली NCCR पलवन में। इस सोसाइटी में स्विमिंग पूल, पार्क क्लब, CCTV गार्ड और भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख तक के छूट और लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी संपर्क करें 8840724063 पर। आए दिन बिहार सरकार पर या फिर यूं कहें बिहार सरकार की वर्तमान शासन व्यवस्था पर सवाल उठते ही जा रहे हैं। हाल ही में रोहतास जिले के PHC चिकित्सा केंद्र का एक मामला सामने आया है जिसमें मरीजों का ठेले पर इलाज किया जा रहा है। वैसे तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समय समय पर अस्पतालों का दौरा करते रहते हैं और बार बार अस्पतालों में सही सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान भी करते रहते हैं, जबकि हकीकत तो कुछ और ही है। वैसे तो कोरोना काल में मरीजों को सही सुविधाएं नहीं मिलने की चर्चा तो बनी रहती है, सही इलाज नहीं मिलने की चर्चा बनी ही रहती है, लेकिन अब तो मरीज स्ट्रेचर तक को मुहाल हो गया है। चलिए देखते हैं क्या है पूरी सच्चाई। सुशासन बाबू के सरकार में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की सभी दावे फेल हो रहे हैं और इसका एक और सबूत है मरीजों का ठेले पर होता इलाज। कोरोना काल में वैसे तो अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज न देने के मामले चर्चे में रह ही रहे हैं, पर अब तो अस्पताल में आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता। आलम यह है कि डॉक्टर के द्वारा ठेले पर इलाज किया जाता है। दरअसल रोहतास जिले के सासाराम चौसा पथ पर करहगर बाजार में एक मारुति कार और बाइक में टक्कर हो गई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वह गंभीर रूप से घायल एक शख्स को स्थानीय लोगों की मदद से ठेले पर करहगर के PHC में लाया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा उस मरीज को ठेले से उतारना भी मुनासिब नहीं समझा गया। आलम यह रहा कि स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ठेले पर ही इलाज कर रेफर कर दिया गया। जब इस बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि घायल का पैर टूट गया था जिसके कारण उसे लाने में दिक्कत हो रही थी और उसी के वजह से उसका इलाज ठेले पर ही कर दिया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अश्विनी कुमार चौबे किस तरह का दौरा करते हैं कि अस्पतालों में एक स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं रही। क्या अस्पताल के बाहर ठेले पर इलाज करना ही मनोता है? बने रहिए टाइम फैक्ट न्यूज के साथ। ठेला पर आया था और उसका दाहिना पैर सोना के नीचे और एंकल जॉइंट के नीचे कंपाउंड फ्रैक्चर था, टूट गया था, जिससे उठाने में उसको कष्ट हो रहा था और उसको सासाराम रेफर करना था जल्दी से स्वीट वॉक करके, और यहाँ फ्लू कॉर्नर बना हुआ है देख ही रहे हैं, तो इसमें उठा के करने में उसको कष्ट हो रहा था, इसलिए उसी पे ही बैंडेज करके स्वीट वॉक करके उसको जिला कर दिया गया तुरंत एम्बुलेंस। कैसे घटना मिला बाबू, कैसे क्या भिलट है? हम लोग गाड़ी जा रहे थे उधर, तो वही गाड़ी आया था, वही धक्का मार दिया था। हम लोग बगल साइड में थे। कौन सा गाड़ी बना है आप लोग को? सर वैसा गाड़ी था। अच्छा, कई लोग घायल हैं आप लोग? 3 लोग। के घायल हैं? मेरे मम्मा, मैं, नन्ना। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सर अपना गाँव जा रहे थे, नानी गाँव से। कहाँ आपका गाँव है? सर नुनार है। क्या नाम है आपका? अंकित।